रायसेन जिले की बेटी दीपा राजपूत ने कर्नाटक के ओडीपी में आयोजित 11वीं इंडियन कैनी फेडरेशन ड्रैगन बोट रेस चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के लिए 2 स्वर्ण 1 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 5 पदक प्राप्त किए हैं। बेटी की सफलता पर ना सिर्फ परिजनों बल्कि शहरवासियों ने खुशी जताई है और उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। कर्नाटक में हुई इस चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश ने 4 स्वर्ण 6 रजत एवं 3 कांस्य सहित कुल 13 पदक जीते हैं। दीपा ने कुछ माह पूर्व ही राष्ट्रीय कैनो स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। दीपा ने बताया कि उसका लक्ष्य इंटरनेशनल स्तर पर खेलकर रायसेन जिले का और माता पिता का नाम रोशन करना है। पंजाब से पढ़ाई कर रही दीपा वर्तमान में मध्य प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स अकादमी भोपाल में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। मैं रायसेन जिला के सांची शहर से रहने वाली हूँ। सांची के पास ही मैं एक गांव है पिपरिया करके, जो सांची से 3 किलोमीटर दूर है। मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए मैंने काफ़ी सेक्रीफाइसेस किए, घर वालों ने भी मेरे साथ साथ। मैं राजपूत समाज से बिलोंग करती हूँ, जिसमें लड़कियों को ज़्यादातर बाहर नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ एकेडमी में आने के लिए मैंने काफ़ी पेरेंट्स से परमिशन ली, पेरेंट्स ने भी अपने बड़ों से पूछा, उसके बाद ही मैं यहाँ तक पहुँची हूँ आज। अभी कहाँ तक आप हुआ है कर्नाटक में? क्या क्या मैंने कर्नाटक में, उससे पहले हिमाचल 2 बार गई हूँ, वहाँ भी मैंने नेशनल में गोल्ड लिए हैं। और उत्तराखंड में हाल ही में मैं ओपन नेशनल, और वहाँ पे मैंने 3 मेडल लेके आई हूँ। वहाँ भी 2 गोल्ड 1 सिल्वर था, और अभी हाल में ड्रैगन खेल के आई हूँ। आगे के यही रहेगा कि अभी तो फिलहाल बस नाम रोशन करना है और इंडिया का झंडा फहराना है, और आगे चल के अपने माँ बाप और देश का नाम रोशन करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।